guess we are live right now. I guess yes. ओके जी, मेरा नाम माहिरा अहमद मियां जी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ. इसके साथ साथ मैं गर्ल्स एजुकेशन पे काम करती हूँ. मेरा अपना एक इदारा है वुमेन इज नेशन के नाम से. द बलोच न्यूज जो है वो एक फेसबुक पेज है. बेसिकली इट्स अ चैनल जो 2017 में फाउंड किया गया था और इसको क्रिएट करने का जो मकसद जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए. इस पेज की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यूथ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और हमारे जो नौजवान हैं उनकी जो सक्सेस है उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है नईम दिलकूल. बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं ये. CSS ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये सिंगर भी हैं, गाते भी हैं, बहुत सारे दिलों पे राज करते हैं. तो आइए हम इनसे बात करते हैं. सो वेलकम नईम, आपका बहुत सारा वेलकम है इस शो में. बहुत शुक्रिया, बहुत ही जेनरस तारुफ किया है आपने. सॉरी, मुझे नहीं लगा कि मैं शायद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कर पाई हूँ. सो नईम, हम ये करेंगे कि हम मैंने आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखी, ट्विटर एंड हर जगह माशाल्लाह आप छाए हुए हैं और सारी जगहों पे आपने बहुत ज्यादा बात की है CSS की और नौजवानों को मोटिवेट किया है कि वो भी इस तरफ आए. सो हम CSS के मुतालिक बात करेंगे लेकिन एंड में हम करेंगे उस पे. मैं चाहती हूँ कि आपको हम एज अ पर्सन और ज्यादा जाने और सारे लोगों को जानने का मौका मिले. सो एन ऑर्डिनरी मैन, लाइक जब आप नए थे, जब आपको कोई नहीं जानता था, एंड नाउ यू आर अ सेंसेशन, लाइक एवरीवन नोज यू. मतलब हर कोई आप जैसा बनना चाहता है, हर कोई आपके सॉन्ग सुनता है एंड यू इंस्पायर देम. सो मुझे आप अगर ऑडियंस से ये शेयर करें कि आपकी जर्नी क्या रही है अब तक. वैसे काफी दफा ये बात हो चुकी है और लोगों को बहुत पता है, मगर बहुत सारे लोग अभी भी जानना चाहते हैं. खैर, इंस्पायर करना तो बहुत बड़ी बात है. अगर मैं किसी को इंस्पायर करता हूँ तो आई फील आई एम ब्लेस्ड. और ऑर्डिनरी तो मैं अभी भी हूँ, बड़ा ऑर्डिनरी हूँ. मैं खुद को बिल्कुल खास नहीं समझता उस तरह से जिस तरह से माशाल्लाह आप बयान कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि एक विजन, पागलपन और कहीं पे पहुंचने का जुनून कुछ करना है. जब मैं छोटा था तो एक इसी बात शायद मेरी फैमिली सुने तो उनको अजीब लगे, तो मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, तो उतने तवक्कुआत भी नहीं थे कि ये पता नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं बेचारा. तो वो चीज बड़ी खटकती थी कि क्यों. उस क्यों का जवाब तो खैर वो छोड़े, मगर उस चीज ने थोड़ा सा मोटिवेट किया. एक अर्ज के मैंने बताना है उनको कि नहीं, मैं कर सकता हूँ जो मेरा दिल करता है, जो मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ. बाकी हाँ, समथिंग दैट मेक्स मी स्पेशल इन माय ओन आईज इज म्यूजिक, माय क्रिएटिविटी. तो जब भी बचपन में कुछ इस तरह की बात होती थी कि दिल दुखता था तो गाने गाते थे, तो गानों की आगोश में जाते थे और खो जाते थे. उससे ये पता चला कि दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्रेशन. तो खुशी होती या गम होता या फ्लीटिंग इश्क होता तो गा लेते. तो एक जमाने में 90s के एंड में और 2000 के अवाइल में जो हुआ कि 90s के मूवीज बड़े मशहूर थे बॉलीवुड के ना. वो कुमार सानू और रुद्र नारायण के, उन्होंने तो एक अजीब सा इश्क का एक पता नहीं कोई जादू सा है ना कर गया था लोगों पे. सारे ही आशिक थे. हमारे मोहल्ले में भी लोग बांसुरी बजा के मतलब
पता चल जाता था कि ये आशिक जा रहा है। तो हमने भी उस जमाने में कि ये क्या बड़ी बात है यार, लोग शायरी करते थे, हमने कि ये क्या बड़ी बात है, चलो हम भी लिख लेते हैं। तो मुझे याद है कि मेरा पहला मिसरा, 4 दिन की जिंदगी ये जी ले मजे कर, आई वॉज लाइक 5 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, लाइक 5वीं जमायत का। तो वो उससे ये हो गया, अच्छा आई कैन राइट। वो अलग बात है कि उसकी क्वालिटी क्या है, नहीं है, वजन है या नहीं है, वो बात की बातें हैं। पहले आप देखते हैं कि अच्छा मैं कर, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर योर फ्रेंड्स सर्कल, अच्छा वो नहीं कर पा रहे, मैंने कर लिया। तो ये म्यूजिक आर्ट और लिटरेचर से थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ी सी मिली थी, तो उसी ने ये अभी यहाँ तक वो लेके आया और आगे भी इंशाल्लाह लेके जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी तो इंशाल्लाह मैं हूँ, मगर क्रिएटिविटी मेक्स मी हैप्पी। मुझे शायद कोई कोई और चीज इतना खुश ना करती हो, मगर जब मैं कोई नई कंपोजिशन बनाता हूँ तो आई एम हैप्पी, मुस्कुरा रहा होता हूँ। ग्रेट। तो किसी को नहीं पता कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है, पागल हो गया है, मगर आई एम हैप्पी बिकॉज आई थिंक आई हैव क्रिएटेड समथिंग। वो शायद लोगों को सामने ना आए, मगर फॉर मी आई एम हैप्पी। या दैट्स सो गुड टू नो, बिकॉज हमारे माशरे में, स्पेशली इन पाकिस्तान, और अगर मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जाके बात करूँ, सो मोस्टली सिंगिंग को इतना ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। और जहां तक मुझे ख्याल है, पहले लोग जो है डिस्करेज करते थे कि उनके बच्चे जो है वो सिंगिंग की तरफ और म्यूजिक की तरफ ना जाएं, क्योंकि एक और स्टीरियोटाइप है पाकिस्तान में कि अगर कोई सिंगिंग करता है, कोई गिटार बजाता है, तो वो कहते हैं अच्छा क्या तुम मिरासी बनोगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपने भी आपकी लाइफ में फेस किए होंगे, तो आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, कैसे टैकल किया उन चैलेंजेस को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक जो फैमिली है मेरी, उनको मेरे सिंगिंग से कोई इशू नहीं है, दैट्स अ ब्लेसिंग। बहुत कम लोगों के लिए ये होता है वैसे, लोग सिंगिंग कर रहे या हो ट्रू, सिंगिंग इतना पढ़ पढ़ने के बाद गाना शुरू कर दिया, क्या करते है हैं मतलब, इस तरह की इसमें चीज कोई होती है ना। गलती हाँ है? कि पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, अल्लाह जाने। मगर वन गुड थिंग विच हैपन टू मी दैट आई केप्ट ऑन स्टडी। मैंने जो तालीम है जो नॉर्मली छोड़ देते हैं लोग जब सिंगिंग के फील्ड में जाते हैं या कोई आर्ट वगैरह, तो उसी में ही लग जाते हैं। तो मैंने सिंगिंग को एज अ पैशन रखा है, शौक। मैंने मुझे पता था क्योंकि तो मैं पढ़ता था कि हमारे माशरे में बड़े कम ऐसे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं कि जिनका म्यूजिक रोजगार है या उनसे वो पैसे कमा सकते हैं। मुझे लगता है जब तक घरों में पैसे आते हैं ना एक आर्ट के जरिए, तो उसको कभी कोई ये नहीं कहता कि मीरासी है, बाकियों को जो कहना है वो कहना दे, उस दैट्स डजंट वेरी ट्रू। मैटर। या बाकी हमसाया क्या कहेगा, वो तो तुम्हारे घर में खाने थोड़ी भेजेगा। तो इट डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल से, मगर एक बात थी मेरी फैमिली की कि वी डोंट वांट यू टू बी लाइक अदर्स, मतलब होता है हमारे माशरे में जिस तरह से गाते हैं या जो क्लब कल्चर है, या सॉरी टू से शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर एक एक नशे का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है, एक गैर जिम्मेदाराना रवैया हाँ, भी है बिल्कुल आर्टिस्ट का। तो शायद मेरी बात ये सुन के कुछ लोग कहे ये कौन होता है ऐसी बातें करने वाला है, मगर द थिंग इज के रियलिटी इज रियलिटी। अब मानोगे 100 साल बाद मानोगे, तो ये चीजें हैं। तो ये फैमिली का सपोर्ट था एंड मैंने सिंगिंग बाकायदगी के साथ अपने पहली जॉब के बाद शुरू किया, अपने पैसों से ही मैंने गाना बनाया, तो वाह। सो क्या उनको कोई मुश्किल नहीं इशू नहीं होता था था। जॉब और सिंगिंग को एक साथ लेके जाना? नहीं सिंगिंग का देखें शौक का क्या है, आपके पास टाइम बहुत होता है, या तो फिर आप फेसबुक या नेटफ्लिक्स ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट करें, या ट्रू तो अपने शौक कुछ करें, क्योंकि टाइम काफी होता है।
सही। एक घंटा भी काफी है अगर आप अपने आर्ट को दें तो। मुझे जब भी टाइम मिलता है, हारमोनियम इधर मेरे साइड पे ही पड़ा हुआ है, तो मैं शुरू हो जाता हूँ वाह, अपने लिए, अपने दिली खुशी के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक कंपोजिशन निकल जाती है, तो उससे तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स कि व्हाट अ पर्सन यू आर, व्हाट यू वांट टू बी। तो मुझ में शायद विजन था, मैं बुक्स पढ़ता था, इसीलिए मुझे लोगों की बातों का इतना असर नहीं हुआ। अभी सही। भी बहुत सारे लोग कहते सो हैं, जी, अभी भी लोग कहते हैं कि यार ये ऑफिसर है, इसको क्या जरूरत है गाने की, ये सिविल सर्वेंट है। तो उनको समझ नहीं आती कि एक होता है, एक होती है रूह, रूह की तस्कीन के लिए जब आप कुछ करते हैं, एक होता है पेट की तस्कीन के लिए आप करते हैं। तो ये दोनों मैं कोशिश कर वेरी रहा हूँ ट्रू। साथ साथ। अच्छा, मैंने आपका इंटरव्यू से पहले मैंने आपका जो नया ही रिलीज हुआ है गाना लिका के नाम से, वो गाना मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइक उसमें जो अल्फाज थे वो बहुत ज्यादा टचिंग थे। आप जब उस गाने को सुनते हैं तो आप उसको महसूस करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो गाने गाते हैं तो उनकी लिरिक्स कौन सेलेक्ट करता है? लिरिक्स मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ, जो और ये लिखते जिस हैं आप? गाने की, जिस गाने की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे बहुत बड़े बड़े शायर मुबारक गाजी के बहुत ही खूबसूरत नज्म है उनकी, बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने 2008 के करीब ये मैंने इसको कंपोज किया था, और 2020 और 19 में इसको रिलीज किया। सो इट टुक अ लॉन्ग वे, नहीं है कि जो मेरे दिल में अभी आया मैं करता रहा हूँ। तो अर्ज़े का नाम मेरी अपनी कंपोजिशन है और मेरे अपने लिरिक्स हैं। तो इट डिपेंड्स, कुछ गाने ऐसे होते हैं मैं दूसरों से लिखवाता हूँ। अभी बहुत सारे गाने मैंने तैयार किए, मतलब कंपोजिशन उनकी, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं, उनको मैंने उनसे लिखवाया है। और कुछ कभी कोई अच्छी नज़्म, कोई गजल किसी किताब में मिले, किसी दोस्त उसे पता चले या वो शेयर करे, तो वो भी कंपोज मैं करता हूँ। सो इट्स अ टू वे कि आप पहले कंपोजिशन बनाएं, उसके ऊपर लिरिक्स लिखवाएं, या पहले से कोई गजल है, कोई नज्म है, उसको कंपोज करके गाएं। तो बोथ वेज, मगर डिसीजन इज माइन कि मैंने कौन सी चीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी गजलें, अपनी नज्में भेजी हैं कि आप इनको गाएं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे, तो मैं उनको कहता था कि मैं नहीं गाऊंगा। सही सही। जो जो लोग नए नए सिंगिंग की तरफ आते हैं, जो जिनका जिनका म्यूजिक पैशन है आपकी तरह और वो गाना गाना चाहते हैं, तो उनको उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी, उनको क्या करना चाहिए? मैं एक उस्ताद की तरह तो नसीहत नहीं कर सकता, मगर हाँ मैं अपनी जर्नी को मद्देनजर रखते हुए ये तो कह सकता हूँ कि इसको छोड़े ना, कुछ भी हो अगर आपको, मगर भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल उस सेंस में कि अगर उसको एज अ रोजगार ना ले लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे माशरे में मौसीकी किसी को पैसे कमा के देती है। बहुत 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 कम लोग हैं जो मूसीके से अपने आर्ट से पैसे कमा रहे हैं। तो आर्ट इज नॉट फॉर मनी। है माशरे में कुछ माशरे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आर्ट से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, मगर वी शुड सी आवर कॉन्टेक्स्ट। अब मैं बोलूँ कि वेस्ट में ये है, मैं कभी गया नहीं वहां पे, मुझे क्या पता वहां पे क्या है। हमें चंद नाम ही नजर आते हैं, मगर आप देखें, सिर्फ YouTube पे जाके देखें कितने आर्टिस्ट हैं, इतने लोग हैं, सारे तो उससे पैसे नहीं कमा रहे, सारे तो दे सिंग फॉर देम सेल्व्स। द बेस्ट थिंग इज के जस्ट टेक इट दैट वे, और अपने माश का मसला हल करें, क्योंकि फिर जब माश का मसला हल नहीं होता तो फिर क्रिएटिविटी भी नहीं होती, फिर दैट्स व्हाई गिला होता है, फिर गिला होता है, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह की बातें होती है, मेहनत कम होती है।
बाकी उस्तादों से सीखें सही सही। अच्छा आपने जो अभी बुक्स के बारे में बात की, जी। सॉरी मुझे लगा कि आप बात खत्म कर चुके हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करें। मैंने ये कहा कि टेक्निकल साइड पे तो मैं किसी को कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद इतना सीखा हुआ नहीं हूँ मौसीकी में। हालांकि अभी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में कर रहा हूँ, मगर जहाँ पे जब कुछ मुयस्सर नहीं है ना, तो बड़े बड़े उस्तादों को सुनकर सीखे कि उन्होंने एक एक गाना किस तरह से गाया हुआ है, एक चीज कैसे की हुई है, तो उनको गायन। तो बड़ी दिलचस्पी बात मुझे याद आ गई, जब हम बड़े उस्तादों का गाना गाते हैं तो उसका कतहन ये मतलब नहीं होता कि हम उनसे बेहतर हैं या हम बताना चाहते हैं कि देखे मैं उनसे बेहतर गा सकता हूँ। सिर्फ ये होता है कि आप देखते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं उनका गाया हुआ एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड रखा है उन्होंने, तो वो किस तरह से मैं पूरा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे कितनी मेहनत की जरूरत है। तो कुछ लोग जो एक बंदे को बहुत पसंद करते हैं, तो जब हम उनका गाना गाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि अरे इसका गाना नहीं गाना चाहते, ये पता नहीं कौन थे, ये वो थे, ये टिपिकली इंडिया में निक्त भगवान थे, ये वगैरह, इनके गाने आपने गा लिए, आपने पता नहीं सुनाए कबीरा कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया। तो इन जैसे लोगों के लिए मुझे बस यही कहना है कि वी सिंग टू गिव ट्रिब्यूट नॉट टू कंपेयर आवर सेल्फ। आपने जो है वो बात की बुक्स के बारे में कि आपको पढ़ना भी बहुत पसंद है, सो अभी आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अभी एक किताब है जॉर्डन पीटरसन की, 12 रूल्स फॉर लाइफ, एंटीडोट टू केओस। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इट टेकल्स वेरी सो आपकी बेसिक। फेवरेट बुक कौन सी है? बाकी फेवरेट बुक मुझे कभी याद नहीं रहते। ऑल द बुक्स आई रीड आर माय फेवरेट। आई डोंट रीड द बुक्स आई डोंट लाइक। जो किताबें मैं एम ही नहीं पढ़ता, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ता, मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ। ओके ग्रेट गुड। सो आपसे बात करके आप पता चल रहा है कि यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल माशाल्लाह से। सो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपके क्या ख्याल आते हैं? हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि आगे जाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ जो है वो पब्लिक फिगर बनना चाहती हैं, कुछ मॉडल बनना चाहती हैं, डॉक्टर्स बनना चाहती हैं और सिंगर्स भी बनना चाहती हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो माशरा है वो उनको कहता है कि जी नहीं, तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, और ये प्रोफेशन जो है ये हमने हमने बहुत बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया है कि जो है ना वो एक औरत सिर्फ नर्स बन सकती है, एक औरत ड्राइविंग कर सकती। इसके लिए आपके क्या ख्याल आते हैं? देखिए, अब तारीख का सितम बोले, जो भी बोलेंगे, शुरुआत से लेके आज तक हमने बड़ी बदकिस्मती के साथ औरतों को इंसान का दर्जा नहीं दिया। हमने हमेशा ये समझा है कि औरतें हमसे कमते रहें। तो मैं इंसान औरत को एक इंसान समझता हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे हक है जो करने का, तो उनको भी है, चाहे वो कुछ भी करना चाहे, जो मेरे लिए मुनासिब है, जो मजहब मुझे इजाजत देता है कुछ करने का, तो उनको भी वो हक होना चाहिए। हाँ, कुछ तकाजे होते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम पे भी लागू नहीं है, हम भी कुछ करें, मतलब मर्द तो उनको भी बुरा भला कहते हैं, तो उस तरह से तो होगा। ये नहीं है कि कुछ मसले ये है कि आपको पता है, अजीब सी एक लहर चढ़ती है, लोग किस तरह के डिमांड्स करते हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त शायद प्रैक्टिकल ना लगे, तो जो ब्रॉडर कॉज है उनका, तो उस पे बड़ा बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो वाकई में डिजर्विंग है तो वो पिस जाते हैं, और जो जो
बस ऐसे ही जिनका कोई शौक या कोई चीज होती है तो वो आ जाते हैं. द वंस हु डिजर्व इट दे जस्ट बेयर द ब्रंट ऑफ यू नो देयर स्टूपिड यू नो स्टूपिडिटी. तो मुझे ये बड़ा दुख होता है कि अगर बलूचिस्तान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब सी एस ए आया, सिविल सर्विसेज अकेडमी, तो मुझे खैर एक बलोच लड़की भी फीमेल नहीं थी यहाँ पर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ. खुशी तो यह थी कि हमारे बैच में माशाल्लाह ऑलमोस्ट 60-40 और 45 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सिविल सर्वेंट थे, उनमें खवातीन भी थी. तो मुझे ये दुख बड़ा था कि बलोच कोई खातून नहीं है. तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी मिले, मुझे बड़ी खुशी होती है. सो आपको आपका जो इतना एक्सपीरियंस रहा है लाइक एज एन आर्टिस्ट एज एन ऑफिसर, यकीनन आप बहुत दफा जो है वो आपकी इंटरेक्शन खवातीन से भी हुई होगी। अगर आपकी इंटरेक्शन कभी किसी खातून से होती है और वो आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ काम करना चाहती है, तो क्या कोई आपके पास ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी कि आपने उनको सपोर्ट किया हो? सिविल सर्विस में तो अभी एक है, मैंने अभी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई, आगे जाना है इंशाल्लाह, कुछ काम करने का रहा. मेरी सपोर्ट देखें, जो भी मुझसे कोई मशवरा मांगे मैं उनको मोटिवेट जरूर करता हूँ. मैं कभी ये जी नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते ये. मैं तो अपने सिस को भी सिस्टर को कहता रहता हूँ कि तैयारी करो, सीएसपी सिविल सर्वेंट बनो. और बहुत इस तरह के जिनको भी मिलता हूं मैं, तो आई कीप टेलिंग देम कि करो मेहनत, मतलब दे हैव पोटेंशियल, दे हैव इंटेलिजेंस, हाँ मगर वो माशरे के कुछ असूलों ने उनको बड़ा बड़ा तंग नजर बनाया हुआ है. तो माशरे एग्जैक्टली के जो असूल हैं ना, वो बड़े बहुत ही डेंजरस होते हैं, उन पे बात करना भी बड़ा डेंजरस होता है, उन्हें बात करनी चाहिए. तो हाँ बिल्कुल मैं मोटिवेट कर सकता हूँ अभी के लिए, बाकी मदद कर सकता हूँ, बाकी इस तरह से तो जो भी हो सकता है कर सकता. सो दैट्स अ गुड थिंग कि लाइक आप अपनी बहन को इनकरेज करते हैं कि उसे भी आना चाहिए और उसे भी आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज चेंज जो है वो हमेशा अपने ही घर से ही शुरू होता है, अपने घर से अपने मोहल्ले से शुरू होता है और फिर आप उसको आगे मजीद और फैलाते जाते हैं। आपकी आपकी अब तक की जो जो भी जर्नी रही है, तो जरूर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत रही होंगी जिनसे आप इंस्पायर हुए होंगे, वो कौन है और क्यों है? शख्सियत किस हवाले से, क्योंकि जिन शख्सियत की बात हो रही है तो बहुत सारे हवाले हो सकते हैं. और जिनसे आप इंस्पायर हुए हों, आप कहते थे कि अच्छा मैं इनकी तरह बनना चाहता हूं या मैं इनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूं। मैं बहुत मेरे दो तीन कॉन्टेक्स्ट हैं. इस एक तो ये कि मैं अपने नानी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, अपने अम्मी से बहुत इंस्पायर हूँ, जिस तरह की जिंदगी उन्होंने गुजारी है, जिस तरह से जिंदगी का सामना उन्होंने किया है, एंड दे आर स्टिल होल्डिंग देयर ग्राउंड. तो दैट मेक्स मी थिंक यार, हाउ हाउ ब्रेव, हाउ हाउ यू नो हाँ ब्रेव टॉलरेंट दे आर, मतलब कितनी इनमें डेडिकेशन है. सो आई कीप रिफ्लेक्टिंग और मुझे वो चीज बड़ी मोटिवेट करती है. तो दैट्स वन वन वेरी यू नो इंस्पिरेशन. ये दो शख्सियतें ऐसी हैं. फीमेल एंड शी इज योर नानी, दैट्स अ ग्रेट थिंग। या सो शी इज माय लव. माशाल्लाह। एक और सवाल है। एक हमारे दोस्त हैं बिबक बलोच, उन्होंने आपके लिए ये सवाल किया है कि जब हम बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में अगर हम यूथ की बात करें, तो उनका रुझान जो है वो ज्यादातर सीएसएस या पीसीएस की तरफ क्यों होता है? और उन्होंने एक और चीज आगे लिखी है कि क्या ये रुझान सिर्फ इसलिए होता है कि वो करप्शन कर सके, लाइक करप्शन हो सकती है अगर ऑफिसर बन जाओ, ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, लाइफ आसान होगी, फैमिली के लिए सारी सपोर्ट होगी। मुझे लगता है कि ये एक स्टीरियोटाइप है और हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कैन लैंड मी इनटू ट्रबल, मगर मैं इसको एकेडमिकली देखना चाहता हूँ.
एकेडमिकली इस हवाले से कि एक डिस्कोर्स बना हुआ है, एक फैंटेसी सी बनी सिविल सर्विसेज के मुताबिक, इसमें बहुत कुछ रियलिटी भी है, बहुत सारी चीजें होती भी हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी होती। आप जो सर्विस में, मैं तो अभी ट्रेनिंग में हूँ, तो आई एम नॉट लाइक एक्सपीरियंस जिस तरह से बातें करूंगा, जो अभी तक जिंदगी गुजारी है जो देखा। तो एक तो ये है कि सिविल सर्विसेज वो यू नो एक एक स्टेप है, एक गरीब बंदे को अपने मतलब सीएसएस का एग्जाम, तो इट कैन टेक, इट कैन विद योर ओन एफर्ट्स कैन एलिवेट योर स्टेटस। अगर किसी को अपना स्टेटस दिल करता है उसका कि वो बढ़े, वो आगे जाए, तो ये बड़ा एक ड्रीम सा होता है कि एक एग्जाम दें, मेहनत करें अपनी मेहनत से, मेरिट पे, ये नहीं है कि आप किसी की मेहनत नहीं करें। सो यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। बाकी ये कि ये रुझान तो जाहिर सी बात है, कहीं पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन अ कंट्री, आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं, यू आर यंग, यू आर एजुकेटेड, तो आपका दिल तो करेगा कि व्हाई नॉट। मुसीबत ये है कि फिर वो कहते हैं कि यही जिंदगी है और यही मौत है, दैट्स अ प्रॉब्लम, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन जो कि इससे बिल्कुल लिंक्ड है, कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो सीएसएस और पीसीएस को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो उसकी अटेम्प्ट एक बार दो बार देते हैं और फिर अपनी हायर स्टडीज की तरफ नहीं जाते, लाइक एमफिल नहीं कर रहे या पीएचडी की तरफ नहीं जा रहे। उनका जो मेन फोकस है दैट्स के बस किसी तरीके से हमारा सीएसएस या पीसीएस हो जाए। देखिए एमफिल या पीएचडी जो है, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ अ पर्सन। इसमें रिसर्च करनी होती है, इसमें आपने कुछ नया प्रोड्यूस करना होता है। सॉरी टू से सीएसएस में उस तरह से कुछ नया नहीं है, यू नीड टू रिप्रोड्यूस व्हाट यू स्टडी विद लिटिल बिट ऑफ एनालिटिकल एनालिसिस, सो वो बहुत ही मुश्किल काम है। खैर हमारे यहाँ तो डिग्रियों पे डिग्रियों मिलते जाते हैं और क्लासेस लिए बगैर आप लोग करते हैं, तो उनके लिए लगता है कि बहुत आसान है। एक्चुअली पीपल कंट्रीब्यूट आइडियाज व्हेन दे डू यू नो एमफिल और पीएचडी। हमारे यहाँ किसी से तो पूछो, कहते हैं कि यहाँ पे खाली जगह, लाइक वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर में गैप है, लेट मी डू रिसर्च ऑन दैट, वो बस खाना पूरी करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत सारे और चीजें हैं आज की दुनिया में, आपके पास मौके बहुत है, मौके यू कैन इधर ऑफ बार सिविल सर्विसेज, अगर वो नहीं भी हुआ तो अकेडमिया की तरफ जाए, अगर वो भी नहीं हुआ तो जस्ट गूगल, यू नो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ। तो ये तंग नजरी, ये महदूद नजरी से निकले। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ एक चीज रवाज पकड़ लेती है तो उसका सत्यानाश होता है। बस हाँ एग्जैक्टली। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन इंस्टाग्राम से हमसे आकिब ने पूछा है वो सवाल। वो कहते हैं कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं, लाइक आप एक ऑफिसर भी हैं, फिर आप जो है वो बुक्स भी पढ़ते हैं, आप जो है वो गाने भी गाते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? मुझे लगता है कि ये वक्त के साथ इन्होंने खुद ग्रो किया है। लाइक इट डजंट हैपन एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें होती हैं। म्यूजिक मेरे रूम में था, इट वॉज विद मी, मुझे ये लगता है। खैर मेहनत बड़ी करनी होती है, सो इट वॉज विद मी, इट इज नेचुरल, आई नेवर हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, सो इट इज विद मी। हाँ बहुत सारी चीजों करने के लिए, कंपोजिशन करने के लिए जी, आप ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह। हाँ यू कैन कॉल इट ब्लेस्ड और गॉड गिफ्टेड, मगर उस पे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। गॉड ज्यादा आपको यू नो एक रास्ता दिखाते हैं, बाकी आपने खुद करना होता है। बाकी किताब पढ़ना तो आई गेस वही आदत पड़ गई, स्टार्टेड रीडिंग, और कुछ था नहीं करने के लिए। दो रास्ते होते हैं आपके, हमारे यहाँ अक्सर दुनिया में नहीं,
या तो दुनियावी इश्क करो या किताब पढ़ो। तुमने किताब को आई गेस तरजीह, करने से बेहतर है कि बंदा किताब पढ़ ले, वो खैर हर बंदे आपको के धोखा लिए एक चॉइस प्रेफरेंस होती है, जिसने जो करना है उसकी मर्जी है। हाँ अच्छा एक और सवाल है, और वो सवाल मेरे दोस्त की तरफ से है, और वो आपसे ये अच्छा पूछना चाह रही है कि क्या आपने शादी कर ली है? इसका आई जवाब मैं नहीं दूंगा ताकि वो एंक्शस ही रहे। अच्छा एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या आपको कभी प्यार हुआ है, जी बिल्कुल, प्यार हुआ। नहीं और क्या अगर हुआ है तो क्या आपने उनके लिए कभी गाना गाया है? बिल्कुल, गाना गाया। दैट्स अ क्यूट थिंग। सो हमारे सवालों का सिलसिला तो अब यहाँ खत्म होता है, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमें कुछ गा के सुनाएं, अच्छा दो तीन लाइंस लिखा सॉन्ग की या वॉट एवर जो भी आप। सो लेट मी सिंग निकाह। चमकोर बेवा दिल तंग बीबी, तेरा ए सरा तानिंदगी, आप लेता कई रंग बीबी, आपुल डेचे पे मा सिंदगी, हो के बारे मेरे कै जिंदगी। लवली, थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच नईम, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को बयान किया, एंड यू आर वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल। सो थैंक यू, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।